रूल्स के अंदर कहीं भी ये पावर नहीं दी हुई रजिस्ट्रार साहब को कि रजिस्ट्रार कैन गिव द डिसीजन इट इज मेंटेनेबल और नॉट मेंटेनेबल। उसमें देखा जाए तो क्लरिकल पावर हैज बीन गिवन टू रजिस्ट्रार टू सी दी डॉक्यूमेंट्स टू इंश्योर के प्रॉपर फाइलिंग हो, डॉक्यूमेंट ठीक लगे हों, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी हैं वो देखें, डॉक्यूमेंट पढ़ने के काबिल भी हैं कि नहीं है, इस तरह की चीज़ें वो कर सकते हैं। जनरली देखा जाए ना तो दो किस्म की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में आती है। एक तो सुप्रीम कोर्ट की अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन है कि नीचे हाई कोर्ट से एक डिसीजन आ गया और आप उससे मुतमइन नहीं हैं तो आपने हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी और वो अपील आके लग जाएगी उसके अंदर। और दूसरा जो है पिटीशन वो है 184 के तहत जो पिटीशन आती है जिसको आप क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इम्पॉर्टेंस कहते हैं वो लग जाती है। पहले उसका भी कोई रूल रेगुलेशन नहीं था, चीफ जस्टिस साहब की मर्जी थी जो पिटीशन मर्जी लगा लें, पिटीशन न भी आए तो वो सुओ मोटो एक्शन लेके केस लगा लेते थे और फिर उसके बाद उस केस की क्या हालत होती थी। वो इट वाज अ रॉन्ग प्रैक्टिस क्योंकि उसमें होता यह था कि चीफ जस्टिस साहब जो माजी में हमारे गुजर गए हैं वो सुओ मोटो लेने के बाद नोटिस ले लेते थे, पार्टियाँ अप्रोच कर लेती थी, उसके बाद वो केस दोबारा कभी भी मंजर आम पर नहीं आता था और केस का पता ही नहीं चलता था हुआ क्या है। और यही सबसे बड़ा डेंजरस कंसेप्ट था। लेकिन जब काजी साहब का उस मामले में व्यू यही था कि ये इट शुड नॉट बी द मैटर डिसाइडेड बाय वन जज, ये तीन जज डिसाइड करें सीनियर मोस्ट कि क्या ये केस पब्लिक पार्टिस का है तो नोटिस लें वरना नोटिस न लिया जाए। और ये आज के नहीं था इशू इनका, ये इससे पहले भी मैं एक वाक्य भी कोट करना चाहूँगा। जस्टिस साकम निसार साहब पेशावर तशरीफ ले गए, उनके साथ काजी फैजी साहब भी थे और जस्टिस मंसूर शाह साहब भी थे। वहाँ कोर्ट की हेयरिंग के दौरान उन्होंने रजिस्ट्रार को बुलाया और रजिस्ट्रार ने एक फाइल पुट अप की, उनके सर ये एक फाइल है, उस पर उन्हें सू मोटो ले लिए। तो काजी साहब वाज मेंबर ऑफ द बेंच, उन्होंने फौरन ऑब्जेक्ट किया, उन्होंने कहा सर रजिस्ट्रार के कहने पर तो आप सू मोटो कर ले ही नहीं सकते, रजिस्ट्रार की तो ये कभी ड्यूटी नहीं बनती कि कोई चीज़ लेकर आई जाए तो आपको कहीं से आया हो केस। और नतीजा ये निकला कि चीफ जस्टिस साहब कोर्ट से उठ गए और उन्हें कोर्ट डिसॉल्व कर दी और फिर दोबारा कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट की नई कोर्ट, उसके अंदर मंसूर शाह साहब को साथ बिठाया और इनको बीच में से निकाल दिया और फिर उसके ऊपर कार्रवाई शुरू की। बाद में मंसूर शाह साहब ने भी जजमेंट दी उस केस में और उन्होंने भी एग्री किया कि ये जो सुओ मोटो लेना तरीकाकार ही गलत था और ये एक्शन वाज इनकरेक्ट ऑफ सुप चीफ जस्टिस साहब। रजिस्ट्रार का जो क्वेश्चन है कि जनाब हम एक पिटीशन दायर होती है और उस पिटीशन के ऊपर रजिस्ट्रार की तरफ से एक ऑब्जेक्शन आ जाता है कि योर पिटीशन इज नॉट मेंटेनेबल, इट डजंट कम इन द परव्यू ऑफ दिस लॉ, ये इसमें आती नहीं है, या आपने जो फलां डॉक्यूमेंट नहीं लगाए हुए। तो इसको मैंने 2016 में खुद चैलेंज किया, मैंने एक पिटीशन यहाँ दायर की और वो पिटीशन बड़ी इंपॉर्टेंट थी, इट वॉज रिगार्डिंग द आर्मी पर्सनल। इस वक्त जो आर्मी के जो लोग हैं जिनको सर्विस से डिसमिस किया जाता है उनके लिए कोई राइट ऑफ अपील नहीं है, आर्मी एक्ट में भी राइट ऑफ अपील नहीं दिया हुआ, और जाहिर है उनके पास जब कोई राइट नहीं है तो दे कम टू द हाई कोर्ट इन द फॉर्म ऑफ रिट पिटीशन। और वो रिट पिटीशन पे भी जो रवैया है अदलिया का वो भी बड़ा अफसोसनाक है, वो पिटीशन 10-10 साल तक चलती रहती है और कोई डिसीजन नहीं देता कि डिसीजन दे दे भाई उसके ऊपर, भाई डिसमिस ही कर दें, नतीजतन लिंगर ऑन होती रहती है। तो वो पिटीशन मैंने दायर की तो जनाब रजिस्ट्रार साहब ने लिख के भेज दिया कि जनाब इट इज़ नॉट मेंटेनेबल अंडर द लॉ और ये आप दायर ही नहीं कर सकते। मैंने उसके खिलाफ अपील दायर की जिसमें मैंने लिखा कि हाई कोर्ट रूल एंड सुप्रीम कोर्ट रूल एंड आर्डर के तहत रजिस्ट्रार के पास इख्तियार ही नहीं है ये डिसाइड करने का मेंटेनेबल है कि नहीं है, ये जज है सुप्रीम कोर्ट के जज ने डिसाइड करना है, ये वो नहीं कर सकता, ही हैज नो अथॉरिटी। देखा जाए तो रजिस्ट्रार जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है और उसका जॉब क्लरिकल है, क्लरिकल जॉब इस तरह है उसने सिर्फ देखना है कि पिटीशन में डॉक्यूमेंट ठीक लगे हुए हैं, बाकी जो लीगल रिक्वायरमेंट है वो ठीक है, सर्टिफिकेट ठीक लगे हुए हैं, एफिडेविट ठीक लगे हुए हैं, ये देख के उसने लगवा देना है, इस पर वो इतराज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जुडिशियल डिसीजन नहीं दे सकते कि मेंटेनेबल है कि नहीं है। आइन का आर्टिकल 191 है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट रूल्स अपने बना सकती है और उसी के तहत रूल्स बने हुए और उस रूल्स के अंदर कहीं भी ये पावर नहीं दी हुई रजिस्ट्रार साहब को कि रजिस्ट्रार कैन गिव द डिसीजन इट इज मेंटेनेबल और नॉट मेंटेनेबल। उसमें देखा जाए तो क्लरिकल पावर हैज बीन गिवन टू रजिस्ट्रार
टू सी दी डॉक्यूमेंट्स टू इंश्योर के प्रॉपर फाइलिंग हो, डॉक्यूमेंट ठीक लगे हों, कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं वो देखें, डॉक्यूमेंट पढ़ने के काबिल भी हैं कि नहीं है, इस तरह की चीज़ें वो कर सकते हैं। इसके अलावा तो उनका कोई इख्तियार ही नहीं। ज़्यादातर ह्यूमन राइट्स केसेस ही आते हैं सुप्रीम कोर्ट में 1843 के तहत, जो पब्लिक के पार्टीज के होते हैं, उसके ऊपर भी अगर रजिस्ट्रार हमें कह दे कि जी आप चले जाएं तो फिर हम किधर जाएंगे, हु विल डिसाइड। अभी एक और चीज़ जो सुप्रीम कोर्ट में जब प्रॉब्लम अभी पेश हमें आ रही है वो ये है कि आप एक पिटीशन फाइल करते हैं, पहले तो नंबर ही नहीं लगता था, तीन तीन साल तक पिटीशन मिलती नहीं थी, आप जाते थे कहते जी नंबर तो है ही नहीं तो हम कैसे पता करें, ना कोई कंप्यूटर पर रजिस्टर होती थी। अब ये हुआ है कि काई साहब ने आते ही इन्होंने आर्डर निकाला कि जो भी पिटीशन आएगी इफ वी बी नंबर, तो मैंने पिटीशन दायर की अभी रिसेंटली और नेक्स्ट डे आई रिसीव अ मैसेज ऑन टेलीफोन के ये योर पिटीशन हैज बीन नंबर्ड, तो चलें पता चल गया रजिस्टर हो गई। अब वो केस था हैबियस का केस, हबसे बेजा में एक बंदा, वो केस हाई कोर्ट रूल्स एंड आर्डर में ये लिखा हुआ है कि हबसे बेजा की पिटीशन अगर दायर होगी उस दिन तो उसी दिन उसकी समाप्त होगी, उस दिन नहीं हुई तो नेक्स्ट डे समाप्त होगी। ये तो ह्यूमन राइट का केस है ना, क्योंकि हैबियस का लॉ जो इंग्लैंड में डेवलप हुआ वो सन 16,000 में हो गया था, 1600 में, आप अंदाज़ा लगाएं हमसे वो कितने आ गए हैं, 300 साल वो पहले उन्होंने ये लॉ डेवलप कर लिया। और उस लॉ में उन्होंने क्या तय किया कि एक जज अगर अपनी कोर्ट में आता है उसके पास 20 केस पड़े हैं और उस केसेस के अंदर एक केस हैबियस का भी आ गया तो ही विल सेपरेट ऑल दी केसेस, वो तमाम मेज से तमाम केस पुश अवे करेगा और हैबियस केस को पहले टेकअप करेगा सबसे पहले, क्योंकि ह्यूमन राइट डिग्निटी और ऑनर और फ्रीडम, उसकी ज़िंदगी खतरे में। और ये लिखा हुआ था कि अगर जज आ रहा है और घोड़े पर सवार है और कोई आदमी उसको कोर्ट के बाहर ही हैबियस की पिटीशन पकड़ाता है तो ही विल गेट डाउन फ्रॉम दी हॉर्स और उधर उसकी हियरिंग करेगा, और अगर जज बैठा हुआ है कोर्ट में रिलैक्स कर रहा है उसके सामने हैबियस की पिटीशन लिखी जाएगी, वो खड़ा हो जाएगा फौरन ताकि पूरी कोर्ट को पता चले कि हैबियस की पिटीशन आ गई। पहली बात तो है कि जो प्रेजेंट लॉ मौजूद है, हाई कोर्ट रूल्स, सुप्रीम कोर्ट रूल्स मौजूद हैं, पहले तो उसको इम्प्लीमेंट किया जाए जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की को पावर ही नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने रूल्स बनाने हैं, सुप्रीम कोर्ट वाजे तौर पे रूल बनाए जिसका लोगों को पता ही नहीं है, प्रोसीजर इज सो कॉम्प्लिकेटेड, किसी को नहीं पता कि हमने RFA दायर करनी है, हमने CPLA दायर करनी है, या नया जो सिस्टम आ गया उसमें हमने क्या करना है। आप दायर करें स्पेशल एक पेज होना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर लिखा हुआ हो कि पिटीशन दायर, ये पिटीशन होगी इस तरह आप दायर करेंगे, ये स्पेसिमन है इस तरह फिल करेंगे और ये दायर करेंगे, और अगर आप हैबियस की होगी और इम्पॉर्टेंस मैटर की होगी तो दूसरे दिन लग जाएगी या कम से कम उस हफ्ते में लग जाएगी, लेकिन ये क्लैरिटी होनी चाहिए। या ये पिटीशन आपने दायर कर दी है, आपको नंबर मिल गया और रफली फलां तारीख को आपकी पिटीशन लग जाएगी। मैं एक और बात आपको बताऊँ जस्टिस मंसूर शाह साहब के बारे में, जस्टिस मंसूर शाह साहब चीफ जस्टिस है लाहौर हाई कोर्ट के, उनने अपने ज़माने में काम किया कि जितनी पिटीशन हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ी है ना सब के ऊपर डेट्स लगा दी, उन्हें अपने अमले को लगाया कि भाई हर बंदे को पता हो वो अपनी पिटीशन का नंबर डाले तो उसको पता चल जाए कि इसके ऊपर डेट लगी हुई है। उन्होंने कहा जी एवरी डॉक्यूमेंट एवरी पिटीशन इज़ टू बी नंबर्ड, उस पर डेट लगी होगी, उसको पता हो कि मेरी पिटीशन अगले महीने लग जाएगी। लेकिन बाद में जब वो चले गए मंसूर शाह साहब, इस पर उन्होंने बड़ा खर्चा किया, एक पूरी टीम बनाई कंप्यूटराइज टीम, उसने पूरा वर्क किया, पूरा रिकॉर्ड खंगाला और बना के फिर कैलकुलेशन की कि एक दिन में एक जज कितना सुन सकता है और उसकी दोबारा कब बारी आएगी। लेकिन बाद में जो जजेस आए उनका क्योंकि कोई इतना इंटरेस्ट ही नहीं है इंसाफ के साथ, उनकी और बड़ी एक्स्ट्रा जो होती हैं करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उसकी वजह से उन्हें उसकी तवज्जो ही नहीं दी। जब तवज्जो नहीं दी तो अब वहाँ लोग रुल रहे हैं, उनको पता ही नहीं हमारी पिटीशन कब लगेगी, उनको नॉलेज ही नहीं है किसी को। तो ये जो है ना ये एक बात ख़त्म होनी चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि मेरी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, मैं उसका नंबर डालूं तो मुझे फ़ौरन पता चल जाए कि इस ये पिटीशन दिसंबर में लगेगी। यहाँ वो पिटीशन जो लेफ्ट ओवर होती है वो बाय डिज़ाइन लेफ्ट ओवर होती है, जज साहब जो आते हैं कोर्ट में, ये मैं बड़े यकीन दावे से कह रहा हूँ, पहले ही निशान लगाया था कि इस केस को काली नहीं करना, वो लेफ्ट ओवर हो जाती है, जब लेफ्ट ओवर होती है दोबारा लगती नहीं है, उसके लिए फिर आप एक अर्ली हियरिंग की पिटीशन दायर करते हैं, फिर वो लगती है, फिर वो अगेन इसी तरह होता है, वो उसको एंड पे लगाया जाता है और एंड के बाद फिर उसका नंबर नहीं आता। तो आप निकाल के स्टडी कर लें, आपको बेशुमार पिटीशन मिल जाएंगी जो साल आठ साल तक लेफ्ट ओवर होती रही, कभी नहीं लगी। क्यों? ये वो डिनाइल ऑफ जस्टिस है जो हम करना नहीं चाहते।
जबकि हाई कोर्ट रूल्स में भी लिखा हुआ प्रोसीजर दिखा हुआ और उसको फॉलो होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या मसला है, वहाँ एक दर्जन के करीब रजिस्ट्रार बैठे हुए हैं, असिस्टेंट डिप्टी, और वो उसमें काम करें और वो कंप्यूटर के ऊपर मौजूद होना चाहिए। इवन इन अमेरिका आप हैरान होंगे, वहाँ जो मल्टी कोर्ट ऑफ अपील है उसमें भी अगर किसी मुलजम का आप नाम डालेंगे, किसी अफसर का जिसका केस है, तो उसकी डेट भी आपको वहाँ से मिल जाएगी कि ये केस कब लगेगा और कब उसकी बारी है और कब कब समाप्त हो चुकी है, और वो जजमेंट भी आपको नेट से ही मिल जाएगी, वो डाउनलोड आप कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। सो इफ यू वॉन्ट टू सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड वॉच मोर मीनिंगफुल कॉन्टेंट, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।